जुर्म में मुजरिम रावण को गुनहगार मानते हुए ये अदालत आईपीसी की धारा 361 के तहत मुजरिम को 5 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम मोगैम्बो को स्मगलिंग के आरोप में दोषी पाती है, लिहाजा ये अदालत इन्हें आईपीसी की धारा 489 के तहत 7 साल की सजा सुनाती है। इंडिया की कोई भी ब्यूटी रंजीत के हाथों से बच नहीं सकती। बलात्कार करने की कोशिश के जुर्म में ये अदालत मुजरिम रंजीत को आईपीसी की धारा 376 के तहत 7 साल की सजा सुनाती है। मुजरिम क्राइम मास्टर गोगो को इस अदालत ने चोरी के जुर्म में दोषी पाया है, इसलिए आईपीसी की धारा 378 के तहत मुजरिम को 3 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जेल किसी इंसान की जिंदगी के अहम साल बर्बाद करने के इरादे से कभी नहीं बना था। एक इंसान अपने गुस्से में या जाने अनजाने में की गई गलती सुधार सके, अपनी मानसिकता बदल सके, सही और गलत में फर्क समझ सके और अपने आगे आने वाली जिंदगी एक आम इंसान की तरह जी सके, है ना? यही तो होता है ना जेल में। अगर ऐसा होता तो ये लोग कुछ इस तरह बाहर निकलते। इंडिया की कोई भी बेटी रंजीत के आशीर्वाद से बच नहीं सकती। सुना सुना दुनिया के लोगों, मेरा नाम है पीस मेकर गोगो। क्या सच में जेल हमारे अंदर के रावण रंजीत मोगैम्बो और गोगो को मारने में हमारी मदद करता है? सोचिएगा। की रिपोर्ट के अनुसार
कम से कम 2000 कैदी अपनी जिंदगी के 5 साल बिना किसी गुनाह के जेल में ही काट देते हैं। पेश किया जाए एक और वो इंसान जिसमें अपने अमानवीय व्यवहार से समाज को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। लिहाजा ये अदालत एक बार फिर अपनी पूरी कोशिश से सच सामने लाना चाहेगी ताकि वो इंसाफ मिल सके जो कहीं संविधान के पन्नों में कैद है। जज साहब, आरोपी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं है। ये अदालत का वक्त जाया कर रहा है और वैसे भी इसका सबसे बड़ा गुनाह तो यही है कि ये गरीब है। डिफेंस अपनी दलील पेश करे। आई रिक्वेस्ट योर ऑनर, डिफेंस को थोड़ा और समय दिया जाए। आरोपी को अपनी सफाई में कुछ कहना है। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि हमेशा की तरह सारे सबूत और गवाह मौजूद नहीं है मद्देनजर रखने के लिए, इसलिए इस केस की अगली सुनवाई की तारीख अब महीनों बाद रखी जाती है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। मुझे तारीख नहीं चाहिए। दिन बीते, महीने गुजरे, साल जैसे पल छिन, गुहार लगाई थी कभी तेरे आगे, सौ में तो गुजर गई, ना आया कभी वो दिन, ना आया कभी वो दिन। मेरा नाम उसे, हम है अनुकृति और ये है हमारी प्रस्तुति अनसुनी आवाजें। Thank you.
उसके मक्खी भी बैठी है। डॉक्टर साहब मेरा पैर दर्द है, कुछ तो करिए। अरे पढ़ू सिंपल सी बात है यार, सारी दुनिया में सारी बीमारियों का इलाज इस पेन से तो जुड़े। पेट दर्द, ये लंगड़ा ही जी, एक दिन में सारे बोरे साफ हो जाएंगे और बाहर इलाज के लिए टेंशन नहीं लेने का। जाऊंगा तो मैं भी एक आम इंसान की जिंदगी जी पाऊंगा क्या? सच में